कुछ लोग जीरो से स्टार्ट करने के बावजूद भी इंडस्ट्री को रूल कर जाते हैं एंड कुछ लोग चांदी की चम्मच लेके पैदा होने के बावजूद भी कुछ नहीं उखाड़ पाते। उदय चोपड़ा सेकंड वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं क्योंकि वो लेजेंडरी डायरेक्टर लेट यश चोपड़ा जी के बेटे हैं एंड आज उनके 51st बर्थडे की खुशी में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उनके करियर के अंदर आखिरकार ये डाउनफॉल आया कैसे एंड आज की डेट में हमें वो कोई भी मूवी करते हुए क्यों नहीं नजर आते। जिसकी शुरुआत करते हैं उनके करियर की स्टार्टिंग में जो की हुई थी बतौर एडी इन हिज ओन फादर्स मूवी लाइक लम्हे, परंपरा एंड डर। उनकी जो फर्स्ट है उसे लेके काफी लोगों को डाउट है कि वो मोहब्बतें थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने मोहब्बतें से पहले भी 1995 की मूवी डीडीएलजे के अंदर एक छोटा सा रोल करा था, बट हाँ एज अ फुल फ्लेज्ड एक्टर के तौर पे हमें वो मोहब्बतें मूवी के अंदर ही देखने को मिले थे, जिसे लेके मैं ये नहीं कह सकता कि वो उनकी एक हिट मूवी थी बिकॉज उसके अंदर काफी बड़े नेम्स इन्वॉल्व थे लाइक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय। एंड उस एक मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ उदय चोपड़ा ही लॉन्च नहीं हुए थे बल्कि जिमी शेरगिल भी लॉन्च हुए थे एंड बाकी भी काफी सारे एक्ट्रेस आए थे। बट आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर नाम बनाने के अंदर काफी ज्यादा कम एक्टर सक्सेसफुल हुए हैं, जिसमें से उदय चोपड़ा सैडली वो नहीं है। बहरहाल उन्होंने 2004 की धूम मूवी के अंदर काफी ज्यादा तारीफें बटोरी एज द कैरेक्टर ऑफ अली, जिसी के नाम से आज की डेट में भी लोग उन्हें जानते हैं। इस कैरेक्टर को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उदय चोपड़ा को खुद भी लगती थी वो यही है कि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था एंड वो चाहते थे कि लोग उन्हें एज अ सीरियस मेन लीड की तरह देखे, जो कि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाई। पर हाँ उन्होंने कोशिश पूरी करी। ही डिड फिल्म्स लाइक प्यार इम्पॉसिबल एंड मेरे यार की शादी, लेकिन दोनों ही मिजरेबली फेल हो गई। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने 2006 की मूवी धूम 2 एंड 2013 की धूम 3 के अंदर सेम कैरेक्टर अली को प्ले करा एंड लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करा, पर वो जो स्टार स्टार वाला टैग वो चाहते थे वो उन्हें सैडली नहीं दे पा रही थी ऑडियंस एंड धूम 3 उनकी लास्ट मूवी बन गई एज एन एक्टर। जिसे लेके आदित्य चोपड़ा ने खुद भी ये चीज एडमिट करी है कि उनके घर का प्रोडक्शन हाउस होने के बावजूद भी वो अपने खुद के सगे भाई को एक स्टार नहीं बना पाए, क्योंकि उसे लेके उन्होंने खुद भी जस्टिफिकेशन दी कि हर एक चीज ऑडियंस के हाथ में है, ऑडियंस जिसे देखना चाहती है, जिसे एक्सेप्ट करना चाहती है, वही आगे चल के स्टार बनेगा। यशराज फिल्म्स ने कितने ही आउटसाइडर्स को लॉन्च करा हो लेकिन वो अपने खुद के घर के बेटे को उस मुकाम पे नहीं पहुंचा पाए। खैर इसके अलावा भी उदय चोपड़ा ने काफी ज्यादा रिमार्केबल काम करा बाय प्रोड्यूसिंग द फिल्म्स इन हॉलीवुड। बेसिकली यशराज फिल्म के इंटरनेशनल बैनर के अंडर उन्होंने ग्रेस ऑफ मोनैको को प्रोड्यूस करा एंड द लॉन्गेस्ट वीक फिल्म को भी प्रोड्यूस करा, जिसमें से ग्रेस ऑफ मोनैको को एमी के अंदर नॉमिनेशन भी मिली थी। एंड इसके बाद उन्होंने ना किसी मूवी को प्रोड्यूस करा है ना ही किसी मूवी के अंदर एक्ट करा है एंड अब तो उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस देनी भी बंद कर दी है। एंड इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि चाहे वो उदय चोपड़ा हो या फिर कोई और एक्टर, जैसे हर किसी की लाइफ के अंदर हाईज एंड लोज आते हैं वैसे ही हर किसी की फिल्मोग्राफी के अंदर भी हाईज एंड लोज आते हैं, बट वंस यू लीव एवरीथिंग सही मायनों में कुछ भी नहीं बच जाता। एंड हाँ उसके अलावा मैं आदित्य चोपड़ा की स्टेटमेंट से भी एग्री करता हूँ कि आखिरकार हर एक चीज ऑडियंस के हाथ में ही है एंड चाहे आपका प्रोडक्शन हाउस नंबर वन ही क्यों ना हो, अगर आम पब्लिक आपके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आपको अपने डिसीजन को कभी कभी तो रीवैल्यूएट करना ही पड़ता है। एंड हाँ बाकी यही था मेरा ओपिनियन उदय चोपड़ा की फिल्मोग्राफी को लेकर, तुम्हारा क्या है कमेंट करके जरूर बता देना एंड टिल देन बाय।